करौली जिले के चहनिया से डॉक्टर अमरेश्वर मौर्य के अपहरण के बाद फिरौती के 40 लाख रुपए की रकम लेकर भाग रहे बदमाशों को बुधवार तड़के पुलिस ने घेर लिया। अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलारीडीह में हुए मुठभेड़ के में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं उसके साथ चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगने की सूचना मिली है। अपहृत डॉक्टरों को बदमाशों के चुंगल से मुक्त कराया गया, तो वहीं फिरौती के 40 लाख रुपए की रकम पुलिस ने बरामद किया है। बलुआ थाना क्षेत्र के रैया गांव निवासी डॉक्टर अमरेश्वर के चहनिया बाजार स्थित क्लिनिक से जाते समय बदमाशों ने सोमवार की देर शाम अपहरण कर लिया था। घटना के बाद पुलिस लगातार जिले की सीमा और शहर के अंदर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच मंगलवार की देर रात सूचना मिली कि बदमाश फिरौती की रकम लेकर कहीं बाहर भागने वाले हैं। सूचना पर अलीनगर, मुगलसराय, बबूरी और बलुआ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की। बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे कार से जा रहे बदमाशों को पुलिस ने अलीनगर के बिलारीडीह के पास NH 2 पर घेर लिया। दोनों ओर से गोली चलने लगी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश राजीव सिंह के पैर में एक और सिपाही को गोली लग गई। पुलिस ने धावा बोलते हुए घायल बदमाश सहित चार बदमाशों को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर रामनगर टेंगरा मोड़ स्थित एक मकान पर छापेमारी कर फिरौती की रकम और डॉक्टर को सकुशल बरामद कर लिया। गौरतलब है कि चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के रैया गाँव निवासी चिकित्सक डॉक्टर अमरेश्वर मौर्य सोमवार शाम अपने क्लिनिक बंद करके बाइक से घर जा रहे। इस दौरान जैसे ही वह फूलपुर ठाकुर पोखरे के पास पहुंची कि तभी चार पहिया वाहन से आए बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया। घटना के बाद मंगलवार को IGS के भगत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चिकित्सक को सकुशल जल्द बरामद करने व बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।